खबर रीवा से है, जहां रीवा में नए तरीके से गौवंश की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एम्बुलेंस में ले जा रहे मवेशियों सहित एम्बुलेंस को जब्त कर लिया है, जबकि 3 मवेशियों के मृत हो जाने के चलते उनका पीएम कराया जा रहा है। अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। रीवा जिले में शायद ही यह ऐसा पहला मामला है जब एम्बुलेंस में मरीज की जगह गौवंश मिले। गौ तस्कर पुलिस से बचने गौ तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा जिले के जवा थाना अंतर्गत खरपटा गांव से सामने आया है, जहां पर गौ तस्कर एम्बुलेंस में गौवंश ले जा रहे थे। दरअसल गाँव के पास देर रात गौवंश से भरी एक एम्बुलेंस AP09TA1162 पलट गई। गाँव वालों ने सोचा कि किसी मरीज की जान खतरे में है, जिसके चलते ग्रामीणों ने तुरंत डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी। जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते, तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब एम्बुलेंस को खोला तो उन्हें एम्बुलेंस में बंद 8 गौवंश मिले, जिनमें से 3 की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। घटना की जानकारी डायल 100 पुलिस ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे SDOP और थाना प्रभारी ने JCB की मदद से एम्बुलेंस को थाने ले आई और उसमें मौजूद मवेशियों को बाहर निकाला और मृत हुए गौवंश को PM के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गौ तस्करों ने बचने के लिए यह नया तरीका अपनाया था, लेकिन उनकी एम्बुलेंस के पलटने से उनका भंडाफोड़ हो गया और पुलिस को उनके इस नए तरीके के बारे में पता चल गया। एम्बुलेंस के अंदर गोवंश की सूचना मिली थी और तत्काल थाने की टीम वहाँ पहुँची तो उसमें से 4 गोवंश जीवित पाए गए, जिनका ट्रीटमेंट करा के उनको गौशाला भिजवाया जा रहा है। 3 गोवंश मृत पाए गए और एम्बुलेंस में चूँकि ये परिवहन हो रहा था तो इसको डिटेल इसकी ट्रेस करने के लिए अभी SDOP मौके पर हैं और वहाँ पर गाड़ी का इंजन नंबर 63 नंबर निकाल कर प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक रूप से एम्बुलेंस कहाँ की थी उसका पता लगाया जाए, क्योंकि जो AP का नंबर लिखा हुआ है उसकी नंबर प्लेट पे संभवतः वो नंबर ठीक नहीं है। तो अभी इस पर विवेचना प्रारंभ कर दी है, पूरा इसको हम लोग जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे।